अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं भुना चिकन। ये 1 kg चिकन है जो कि हमने वॉश करके रख दिया है। ये कुछ खड़े और सूखे मसाले जैसे 2 तेज पत्ता, 1 सिनेमोन स्टिक, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया एंड 2 टेबलस्पून करी पाउडर। ये चिकन करी पाउडर है। 1 टेबलस्पून एंड 1 टेबलस्पून गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार। ये कुछ लहसुन अदरक चाहिए होंगे, 3 से 4 पीस हरी मिर्च। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो आप मिर्ची अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो ये प्याज जो 2 मीडियम साइज के थे हमने कट कर लिए है। तो ये 2 टमाटर इसमें यूज़ होंगे। ये पतीली में तेल डाल दिया है। अब इसमें जितने खड़े मसाले थे वो जाएंगे। जैसे ही ये थोड़ा क्रैकल होने लगेंगे वैसे ही इसमें प्याज डाल देंगे। अब प्याज को गोल्डन फ्राई होने तक पका लेंगे। प्याज हमारी हो गई है गोल्डन फ्राई। अब इसमें चिकन डाल देंगे अपना। चिकन को हाई फ्लेम पे भून लेंगे जब तक इसका कलर ना बदल जाए। चिकन हमारा भून गया है, इसका सारा पानी जितना था वो सब खत्म हो गया। इसमें जाएगा हमारा लहसुन अदरक। सॉरी मैं बताना भूल गई थी, इसमें मैंने जीरा भी पीसा है, जीरा दिखाना भूल गई थी। सारे मसाले डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले मसाले को हाई फ्लेम पे खूब अच्छे से भून लेंगे, फिर इसको थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढककर। 5 minutes later